डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज है 24 जून 2019, और 24 जून 2019 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपके 1% भी हेल्प हो रही है, तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के तहत 2022 तक कितने किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा, ये किया जाएगा टोटल 35,000 किलोमीटर का, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक परियोजना का शुभारंभ किया गया, कौन सी परियोजना आपको नाम याद रखना है, जिसका नाम है भारतमाला परियोजना। इस परियोजना के तहत 2022 तक, कब तक, 2022 तक टोटल 35,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से माय लाइफ माय मिशन किसकी आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है, माय लाइफ माय मिशन, तो ये है बाबा रामदेव की, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी बेसिकली क्या हुआ, एक आत्मकथा लॉन्च की गई, यानी बेसिकली एक बुक लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है, माय लाइफ माय मिशन, और ये किसकी आत्मकथा है, ये है बाबा रामदेव की। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि आत्मकथा तो बाबा रामदेव की, लेकिन इसके लेखक कौन है, इसको लिखा किसने, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उदय माहूरकर ने ये लिखी है, क्या, माय लाइफ माय मिशन ये लिखी है, और इसको प्रकाशक पेंगुइन द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। और ये कब लॉन्च की जाएगी, ये लॉन्च की जाएगी इसी साल अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया जाएगा, किसको, माय लाइफ माय मिशन की। और ये किसकी आत्मकथा है, बाबा रामदेव की। और ये देखिए मैंने यहाँ पे बाबा रामदेव की पिक्चर भी लगा रखी, ये एक योग गुरु है और पतंजलि के ये संस्थापक भी है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे टैलेंट मोबिलिटी पर इंडिया यूथ सेमिनार आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये किया जाएगा पुणे में, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिकली इसका तो ऑर्गेनाइजन, यानी बेसिकली जो सेमिनार है ये आयोजित कहाँ पे किया जाएगा, पुणे में, किसका, टैलेंट मोबिलिटी पर इंडिया यूथ सेमिनार का, लेकिन इसका आयोजन कौन करेगा, इसका आयोजन करेगा ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका आयोजन तो किया जाएगा, लेकिन क्यों किया जाएगा, बेसिकली इसका आयोजन करने के बाद इसको बेसिकली तीन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वो तीन चीज़ें कौन सी है, एक है IT इंडस्ट्री, एक है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, और एक है स्टार्टअप। कौन सी, एक IT इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एक स्टार्टअप, इन तीनों पे इसको फोकस किया जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पे टर्म आई है पुणे, तो पुणे कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये देखिए, ये है मैप में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, वहाँ के CM है देवेंद्र फडणवीस, और वहाँ के जो गवर्नर है वह सी विद्यासागर राव। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे 11वें भारत स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये किया जाएगा जयपुर में, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राजस्थान की कैपिटल है कौन सी, जयपुर, वहाँ पे जो ये 11वां है, कौन सा 11वां, इसका संस्करण है 11वें भारत स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका आयोजन कब किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा 2021 में 4 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच, यानी बेसिकली 4 से 7 फरवरी 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। अब इसका आयोजन क्यों किया जाएगा, जो स्टोन इंडस्ट्री है, जितने भी बड़ी बड़ी स्टोन इंडस्ट्रीज है उनके यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उनका यहाँ पर एग्जीबिशन
किया जाएगा। अब यहाँ पे टर्म आई है जयपुर, तो जयपुर क्या है, राजस्थान की कैपिटल है। तो ये देखें, ये है मैप में जयपुर, जयपुर की कैप सॉरी ये है मैप में राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। वहाँ के सीएम है अशोक गहलोत और वहाँ के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश में, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला बोल रहा है पहला अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव। देखिए जो भी पहली चीज होती है, फर्स्ट नियुक्ति हो गई, फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो गया, कोई भी जो पहली चीज हुई वो तो उसका तो नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो पहला अंतर्राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है बांग्लादेश में। अब यहाँ पे टर्म आई है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में आपको बताता हूँ। बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ की करेंसी है टका, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल्ला हामिद। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपनी एयरलाइंस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया है? तो ये किस देश ने लगाया है? ये लगाया है रूस ने, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रूस की एयरलाइंस है जो सिर्फ टेम्पररी उस पर बैन लगाए। अब क्यों बैन लगाए? बेसिकली जॉर्जिया जाने वाली, कहाँ पे, रूस से जॉर्जिया जाने वाली जितने भी एयरलाइंस थी, जितने भी जो हवाई अड्डे हवाई जो जहाज वगैरह थे उन पर बैन लगाए। न जाने भगवान जाने क्या प्रॉब्लम हो गया रूस और जॉर्जिया के बीच, तो उन्होंने वहाँ पर बैन लगा दिया। लेकिन आप सबसे पहले क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखें कि रूस ने जो जॉर्जिया जाने वाली एयरलाइंस थी उन पे अस्थायी रूप से बैन लगाया है। अब कौन से देश ने लगाया है? रूस ने। तो मैं आपको रूस के बारे में बताता हूं, रूस के बारे में जान लीजिए। रूस की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ की करेंसी है रशियन रूबल और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन और रूस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? दमित्री वेदमेदेव। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एक एस्ट्रोबी रोबोट बम्बल लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नासा ने, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो एस्ट्रोबी रोबोट है जिसका क्या नाम दिया है, बम्बल, क्या नाम दिया है उसको, बम्बल नाम दिया है और इसको लॉन्च किसने किया है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसने इसको लॉन्च किया है। अब ये बम्बल नाम का एक रोबोट तो लॉन्च किया, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या खासियत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली अपनी शक्ति से उड़ान भर सकता है और किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर सकता है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? अब ये किसने लॉन्च की है, नासा ने। तो मैं आपको नासा के बारे में बताता हूं, नासा के बारे में जान लीजिए। नासा क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, वो है जिम ब्रेडेनस्टीन। कौन है, जिम ब्रेडेनस्टीन। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे हाथियों के लिए एक जल चिकित्सालय खोला गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है, ये खोला गया है मथुरा में, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको ऐसा ही सेम क्वेश्चन करवाया था कि हाथियों के लिए जो अस्पताल है, हाथी एक मथुरा में हाथियों के लिए, जानवरों के लिए एक अस्पताल खोला गया था, लेकिन अभी क्या किया गया है वहाँ पे, उनके लिए जो हाथी उनके लिए जल चिकित्सालय खोला गया है। ये देखिए मैंने यहाँ पे उसकी पिक्चर भी लगा रखी, यही है जल चिकित्सालय खोला गया है। इसको नाम क्या दिया, जम्बो पुल। क्या नाम दिया, नाम याद रखना, इसको क्या नाम दिया, जम्बो पुल इसको नाम दिया है। अभी ये जो जल चिकित्सालय है ये क्यों खोला गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हाथी है जो जोड़ों से, जोड़ों के दर्द हो गए उससे पीड़ित है, जिनको पैरों की कुछ बीमारियां है, जो गठिया नाम की बीमारी होती है, उन बीमारियों से पीड़ित जो कोई भी हाथी है उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा, वाटर में, देखिए वाटर में किस तरह है, यहाँ पे जो यानी बेसिकली कोई केमिकल डाला जाएगा, कोई मेडिसिन, गर्म पानी वगैरह इनको यानी लगाया जाएगा। बेसिकली क्या होगा, उनसे जोड़ों के दर्द वगैरह है वहाँ पर उनको राहत मिलेगी,
जो गठिया वगैरह जो कोई भी बीमारी उनको राहत मिलेगी, बेसिकली उनको रिकवर करने हेतु, उनका इलाज करने हेतु ये जल चिकित्सालय खोला गया है। कहाँ पे? मथुरा में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि मथुरा कहाँ पे? तो मथुरा है उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर है वो है राम नाईक। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 35वीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? तो ये किसने जीती है? ये जीती है पंकज आडवाणी ने। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप याद रखना है कौन सी स्नूकर चैंपियनशिप थी, ये थी 35वीं। और यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका कहाँ पे आयोजन किया गया था? जो कतर की कैपिटल है दोहा, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पंकज आडवाणी की पिक्चर भी लगा रखी, यही है पंकज आडवाणी। और इन्होंने अभी हाल ही में जो 35वीं पुरुष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। अब इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? कतर की कैपिटल दोहा में। तो मैं आपको कतर के बारे में बताता हूँ, कतर के बारे में जान लीजिए। कतर की कैपिटल है दोहा, वहां की करेंसी कतरी रियाल और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है अब्दुल्ला बिन नसीद। कौन है? अब्दुल्ला बिन नसीद। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सीनियर एशियाई कलात्मक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है प्रणति नायक ने। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रणति नायक की पिक्चर भी लगा रखी है, आपको जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही यही है प्रणति नायक। और इन्होंने अभी हाल ही में सीनियर एशियाई कलात्मक चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब ये प्रणति नायक कौन है? ये अपने इंडिया की एक जिम्नास्टिक की एक खिलाड़ी है। यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था मंगोलिया में। मंगोलिया की जो कैपिटल है कौन सी? ऊलान बाटर। वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्रणति नायक की पिक्चर भी लगा रखी, जो आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही यही है प्रणति नायक। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सेना ने ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है? तो ये कौन से देश की सेना है? यह अपने देश भारत की। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली जो अपने इंडिया की जो नौसेना है, जो इंडिया की नेवी है, उसने क्या किया, जो ओमान की खाड़ी है वहाँ पे ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया है। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म बोला, ऑपरेशन संकल्प। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो ऑपरेशन संकल्प है ये क्यों लॉन्च किया है? बेसिकली इंडिया के जो जहाज़ है वो ओमान की खाड़ी में आसानी से आ जा सकेंगे, उसको क्रॉस कर सकेंगे, इसीलिए इसको लॉन्च किया है। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी में। अब यहाँ पे टर्म है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडियन नेवी के अभी न्यू चीफ अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है करमवीर सिंह। और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? उन्होंने रिप्लेस किया है सुनील लांबा को। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता? तो ये चुना गया अपने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, कौन है? नरेंद्र मोदी, उनको चुना गया है। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली जो ब्रिटिश मैगजीन है, कौन सी? ब्रिटिश हेरल्ड नाम की एक मैगजीन है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं की सूची में शीर्ष पे कौन है? वो है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी तो टॉप पे, लेकिन टॉप थ्री तो आपको याद होने चाहिए ना। तो सेकंड नंबर पे कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये कौन है? ये रूस के जो प्रेसिडेंट है। और थर्ड नंबर पे कौन है? चाइना के प्रेसिडेंट। कौन? सी जिनपिंग। और फोर्थ नंबर पे कौन है? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिक्वेंस नंबर में लिखा है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? और ये देखिए, मैंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी की पिक्चर भी लगा रखी है, जो ब्रिटिश हेरल्ड नाम की एक मैगजीन है उस पर जो फ्रंट पेज है वहाँ पे इनकी फोटो भी छपी है। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन से? तो बस आज के करंट अफेयर से इतना ही। चलिए, अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखते हैं कल का हमारा क्या क्वेश्चन था। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से कहाँ पे स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु को वैध किया गया है? तो इसको कहाँ पे वैध किया है? इसको किया गया था विक्टोरिया में। यानी इस क्वेश्चन का
सेकेंड ऑप्शन सही था, सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। तो चलिए आज फिर मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते आज का हमारा क्या क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आएंगे। तो ये कौन से देश के विदेश मंत्री हैं जो अपने इंडिया के दौरे पर आएंगे, बताइए। मैंने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने क्वेश्चन आपको कल ही करवा रखा है, तो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।